ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे पूजनीय शक्ति को इस समय में बाप दादा ने हम बच्चों को दिया, विशेष करके ब्रह्मा बाबा ने। एक सबसे बड़ी धर्म स्थापनों में और ब्रह्मा बाबा में बहुत अंतर है। देखिए 50 साल ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में 1969 में जनवरी 18 तारीख आप सबको मालूम ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, परंतु अव्यक्त होने के बाद में भी ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में हम बच्चों को 50 साल से पालना दे रहे हैं। 1969 में केवल 150 सेंटर भी नहीं था, आज के दिन में 8,500 सेवा केंद्र है। 8,500 सेवा केंद्र किसने खोला? हम सभी खोला, ऐसा नहीं है। बाबा की प्रेरणा से, बाबा की शक्ति से, बाबा की वरदान से, बाबा की के आधार से ये सेवा केंद्र। और उस समय में कितने लोग थे? 10,000 की भाई बहने भी नहीं थे। उस समय में बाबा का अव्यक्त हुआ था, उस समय 10,000 भाई बहने भी नहीं थे। टोटली सारी इंडिया की मैं बात करता हूँ, विदेश में तो सेंटर ही नहीं था, परंतु आज कितनी है? 10,00,000 तो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, डेली क्लास सुनने वाले, मुरली सुनने वाले, मुरली सुनाने वाले तो 10,00,000 है। उसके सिवाय एक्स्ट्रा जो हफ्ते में एक बार आने वाले, कभी कभी आने वाले, कभी कभी प्रशंसा करके जाने वाले, धन सहयोग देने वाले अलग है, धन मन धन लगा करके सेवा करने वाले 10,00,000 है। लोग कहते ब्रह्मा कुमारी, अभी तो बाबा ने शुरू शुरू में कहा था, शब्द शुरुआत कहा था, ब्रह्मा कुमारी सर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। रिच किसके आधार से? मन की शक्ति के आधार से, सत्यता की शक्ति के आधार।